तो फिर एक टॉपिक जो है हमारा वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, उसके अंदर ही आता है, जो 10th के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 होगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहली बात, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा तो इससे मेरा वीडियो बाद में बनाने का क्या रीजन है, क्या पर्पस है? पर्पस सिंपल है कि आपका ट्रिगो रिवाइज हो जाए, बस इसके अलावा और इसका कोई पर्पस नहीं है। आप चाहते तो उसमें भी साथ बना सकते थे, बट कभी कभी क्या होता है, जब आप साथ बना लेते हैं तो रिवीजन करने में थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है। तो जब उसी से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं और जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ही होंगे, 2 या 3 डेफिनेटली होंगे, नहीं होने के कोई सवाल नहीं है। तो मैं पहले जिस तरीके से हर चैप्टर्स में आपको ये बताता हूँ कि चैप्टर्स के अंदर क्या करना है, पहले तो उसके मीनिंग जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसका अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके टॉपिक्स मैं बताता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इधर मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस टाइप के बनते हैं ज्यादातर, वो चीजें देखेंगे और इसमें सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी अप्रोक्सीमेटली। तो टावर, फ्लैग, ट्री एंड लैडर, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपको इजिली समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। तो खैर, अब इससे कुछ प्रिकॉशंस मैं बताऊंगा और कुछ इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा। सबसे पहली बात कि अगर ट्रिगो का मैंने मीनिंग आपको समझाया हुआ था, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। ट्री जो यहाँ पे टी आर आई ऐसे पढ़ रहे हैं, इसका ब्रेक अगर करेंगे तो टी आर आई मतलब यहाँ पे होगा 3, जी ओ एन ओ जो गाना बोल रहे हैं, दैट इज ऑफ साइड्स। आप एंगल्स कभी कभी उसको परपेचुएट करते हैं। देन मेट्री, मेजरमेंट मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट। तो कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड मेजरमेंट रिलेटेड, हम उसको किसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से मेजर कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसी का यहाँ एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है, यूजेस। एप्लीकेशंस का मीनिंग सिंपल होता है यूजेस, मतलब उस ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस अब कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रिलेटेड में करेंगे, ठीक है। तो अब उसके अलावा जब हम आते हैं पार्ट बाई पार्ट की इसके अंदर क्या है, सबसे पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को समझेंगे, फिर एंगल ऑफ डेविएशन को समझेंगे। तो वो काफी इजी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देना, काफी इजी है ये और आप आराम से कर भी लोगे। बस इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद होना चाहिए, जैसे साइन 30 की और कॉस 60, 90, पूरे के पूरे जो चार्ट्स मैंने आपको समझाया था, जो टेबल समझाया था 8.2 से रिलेटेड, तो सब कुछ आपको वैल्यूज याद होने चाहिए ही चाहिए। चलिए फिर आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले इसको समझते हैं, फिर एंगल ऑफ डेविएशन को समझेंगे। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग क्या है, ऐसे समझिएगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यह एक टावर है ए बी, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मान लेते एक टावर है, फाइन। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई भी एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आई को बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे वो खड़ा है कोई भी पर्सन, अगर सिर्फ आप इंसान को देखना चाहेंगे तो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ रफली, एक नॉट बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बनता है, फिर भी। अब ए इंसान देख रहा है इस पॉइंट बी पे, मतलब इस टावर के सबसे टॉप पे, आप समझ रहे हैं, ए बी एक टावर है और उसके पीक पे कोई पर्सन फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है और ऊपर देख रहा है, तो जो ऊपर देख रहा है उससे जो एंगल बन रहा है, लेट से यहाँ पे 30 डिग्री मैंने लिखा है, तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप एक सब ने पूछे वो क्या है, तो जब भी हम खड़े, मैं सपोज यहाँ पे खड़ा हूं, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो जो उसके टॉप पार्ट पे देख रहा हूं, तो वो जो एंगल बन रहा है मेरा उसके साथ, वो एंगल आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, टावर है, मैं यहाँ पे हूं, मैं इसको देख रहा हूँ टॉप पे, तो ये आप पर्सन यहाँ पे खड़ा है ऐसे टॉप पे देख रहा है, तो ये वाला एंगल जो बना रहा है यही एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है। बस इसके अपोजिट में है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सिंपल, अब मान लो आप जमीन पे लेट से खड़े नहीं हो, आप छत पे खड़े हो, आप अपने छत पे टेरेस पे एकदम खड़े होके मस्त जो है एंजॉय कर रहे हो कुछ भी। अब आप उस छत से आपने एक ऑब्जेक्ट नीचे, मान लीजिए रोड पे कोई एक पर्सन है लेट से, वो यहाँ पे खड़ा है या कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी, इट डजंट मैटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, तो ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल और इसके साथ, ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। और आई होप कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको क्लियर होगा, फिर भी नहीं भी क्लियर होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं स्लिपिंग लाइन या फिर लेटा हुआ लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल ये वाला हो गया,
एंड देन वर्टिकल भी आपको पता ही होगा, वर्टिकल इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बस मैंने रफ आइडिया के लिए बता दिया, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक चीज कवर करूंगा, जैसे अगर आप याद करने के लिए जा रहे हो तो सिंपल एक बात याद करना, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऐसे समझ लेना आप, देखिए यहाँ पे है ई मतलब एलिवेशन के फर्स्ट लेटर, फिर यहाँ डेविएशन का फर्स्ट लेटर। एलिवेशन जब है तो हमेशा ऊपर की तरफ बोलेंगे, यानी कि क्या है बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप। यहाँ पे क्या है डी डाउन, तो क्या होगा डाउन नीचे सोचेंगे, तो क्या होगा टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, बस यही दिमाग में रखेंगे। जैसे बोले एंगल ऑफ डेविएशन टॉप टू डाउन, एंगल ऑफ एलिवेशन डाउन टू टॉप, बस क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। यही दोनों चीज का यूजेज है अलग अलग क्वेश्चंस में। अब मैं फटाफट आपको इसके रिलेशन और इसके एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जहां इसका एप्लीकेशन है, जहां इसका यूजेज है, वो मैं करके दिखाता हूं, और आपको तब और इजिली और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा कंटिन्यू रहिएगा और अच्छे ढंग से इस चीज को करिएगा। मैं थोड़ा सा इसको रख करता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दूसरी चीज एक और मैं आपको समझाना चाहूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला कि थ्री साइड्स मेजरमेंट वाला खेल है, इसमें ट्रायंगल ही होना है, ट्रायंगल के अलावा कुछ होना नहीं है। आप अगर ऐसे क्वेश्चंस किसी टाइप के भी हो, अगर आपने ट्रायंगल बना लिया, ट्रस्ट मी ट्रायंगल तो बने ही बनेगा, दैट इज मतलब दैट इज फॉर श्योर। तो ट्रायंगल अगर हम बन ही रहा है, तो आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर एंगल ऑफ डेविएशन भी समझ में आ रहा है, तो आप एटलीस्ट ट्रायंगल तो ड्रॉ कर ही लोगे, और ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे तो 50% आपका काम हो ही गया, क्योंकि इसमें फिगर आपने अगर एक बार बना मतलब ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपने आप देखेंगे, मैं अभी जो बता रहा हूँ उससे और आपको इजी लगेगा। खैर, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये बस मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, और आपके एग्जांपल्स में भी बहुत इजी क्वेश्चन दे हुए हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट। हम एक बार समझते हैं, जहां पे टफ कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे टफ होते हैं, तो उसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स में लेना चाहता हूँ जो आपके बुक में रिलेटेड हो। तो बुक से रिलेटेड क्या होता है, जब मैं उसको समझाता हूँ तो आप उससे रिलेट करके इजीली समझ जाते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मल होती है, जो आपको ज्यादा उसमें एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होती, तो ये सारी चीजें कुछ वैसे नहीं है। फिर भी मैं आता हूं यहाँ पे, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टावर है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली, तो टावर वर्टिकली स्टैंड्स करेगा ही करेगा, और मान लीजिए टावर ए भी हम खुद से नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इट डजंट मैटर, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको उसमें तो राइट डाउन करना ही पड़ेगा। तो ये भी हो गया, ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, और बोल रहा है कि इट मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन, अब वो यहां ये बोल रहे हैं पर्सन मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दैट इज 30 डिग्री, और ये बोल रहा है कि टावर के फुट से मतलब फ्रॉम द ग्राउंड द फुट है टावर का, इससे जो पर्सन के डिस्टेंस है लेट से 15 सेंटीमीटर 15 मीटर वट एवर इट इज 15 सेंटीमीटर है, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन से बोला गया है कि एक टावर है जो कि विच स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, और टावर के फुट से पर्सन का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, एंड पर्सन इज जस्ट वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टॉप ऑफ द टावर देख रहा है, तो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्लियर कट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करना है ये, दैट इज ए बी का लेंथ मतलब हाइट ऑफ द टावर। देखिए बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया, आप समझिएगा कि इसको निकालना कैसा है। सिंपल एक चीज सोचिएगा, आपके पास एक एंगल है, आप पहले ये देखो कि आपकी वैल्यू क्या दी हुई है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए वाला जो है वो क्या है परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा और दैट इज अ बेस। यहां पे आपको काम क्या करना है कि लेट से आपको पहले देखना है कि वैल्यूज किस चीज की दी हुई है और वैल्यू किस चीज की निकालनी है। आप समझिए ऐसे, वैल्यूज किस चीज की दी हुई है, बेस की, यानी कि बेस इज इक्वल टू क्या है 15 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है दैट इज हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग, तो पी में ब्रैकेट में ये निकालना है आपको, और आपके पास एंगल क्या दिया है 30 डिग्री। अब आपको ऐसा सोचना है कि बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो कौन सी ऐसी चीज आप लगाओगे जिससे कि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे मैंने वहां बताया था ना, पाकिस्तान भूखा फैसा हिंदुस्तान हरा भरा, अब आपको ये सोचना है कि आप ऐसा क्या कौन सा चीज लगाओगे जिससे हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे
मान लो आप साइन थीटा लगाते हो यानी कि साइन 30 लेते हो, तो साइन 30 साइन क्या होता है पी अपॉन एच, पाकिस्तान भूकंप या हिंदुस्तान हार्बर जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वो आपको रिकॉल करना है। तो साइन 30 पी अपॉन एच, तो इसके अकॉर्डिंग पी ए हो गया और एच क्या है ये, तो ना तो आपको पी की वैल्यू पता है ना एच की वैल्यू पता है, तो साइन तो हम लेंगे नहीं। कॉस लेंगे तो बी अपॉन एच, तो बी तो हमें पता है पर एच की वैल्यू हमें नहीं पता, और अगर हम एच निकाल भी लेते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा क्योंकि हमें एच चाहिए नहीं, तो कॉस भी कैंसिल हो गया। अब टैन पे आते हैं, टैन 30 और क्या होता है पी अपॉन बी, टैन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, जहां पे पी यानी कि परपेंडिकुलर भी है और जो हमें फाइंड आउट करना है और बेस की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और टैन 30 की वैल्यू हमें पता ही पता है, ठीक है। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे टैन, यानी कि हम लिखेंगे टैन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी, जहां पे हमें पी क्या है ए बी जो कि परपेंडिकुलर ना जो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है एंड बेस इज 15 और टैन 30 की वैल्यू आपको क्या है पता होना चाहिए दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, क्या करना है यहां तक क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया क्या 15 × 1 दैट इज 15 और उधर क्या गया ए बी इंटू रूट थ्री, क्लियर। तो आपको क्या निकालना है ए बी, तो 15/√3 इज इक्वल टू ए बी, ये भी क्या है हाइट ऑफ द टावर, आप वैल्यूज इतना भी रख के छोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे रूट थ्री की वैल्यू 1.732 होती है तो आप उसको भी लेके कर सकते हैं, बट रूट इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड पर्टिकुलर आप रूट तक रहने दे सकते हैं कोई इशू नहीं है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर इजिली मिल गया। आप क्या समझे इसमें से, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है आपको कि आपको पहले फाइंड आउट बेसिकली करना है कि आपको निकालना क्या है और वैल्यूज कैसे मिली है, तब आप एंगल की वैल्यूज रख के निकालिए और वहां से वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जैसे टावर रिलेटेड फ्लैग्स रिलेटेड, इसको हम लोग फिर दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिकॉज थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो तब तक आपका जो बेसिक चीज है वो प्लीज ध्यान में रखिएगा और ट्रिगो जाकर एक बार जरूर जो उसका बेसिक पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज भी काम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम भी काम आएंगे, मतलब इसमें पूरा का पूरा ट्रिगो काम लगभग आएगा ही आएगा। तो आई होप आप रिवाइज कर लेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इससे रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर लीजिए, फिर मिलते हैं जल्दी।